सो गाइस, आज हम मालिक साहब के दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन करेंगे फिर जाएंगे ऊपर खेत। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी टाइम 2 बजे हैं, तो मैं अभी घर का काम कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा बहुत अभी लगे हैं नीचे, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ सर 12 वहाँ खेत के लिए। वहाँ से गेहूँ लाने हैं और मम्मी काट रही है ऊपर, वहाँ से नीचे के लाने गेहूँ। तो बनी रही वीडियो के एंड तक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विक्की नेगी है और मैं रामपुर शहर के 15-20 नवनाग भूमि सरपारा से हूँ। तो स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप सरपारा घूमना चाहते हैं तो आप जरूर विजिट करें हमारे सरपारा 15-20 को। आज हम मालिक साहब के दर्शन करने जा रहे हैं। क्यों मालिक साहब? मालिक साहब देख सकते हैं आप, ये नौनागो का जन्म स्थान है और ये जलनाग का मंदिर है और मासूम मंदिर है। यहाँ देख सकते हैं आप मौसम कितना बारिश वाला हो गया है। सरपारा पहुँच गया हूँ। पीछे देख सकते हैं आप, ये पीछे सरपारा स्कूल भी है मंदिर के पीछे। अब मैं सरपारा से भी 15-20 मिनट का रास्ता है। तो देख सकते हैं आप कितनी गर्मी हो गई है और अभी तो इतनी धूप नहीं लग रही है, बादल आ गए हैं। तो अभी हम रास्ते में पहुंच गए हैं। तो हमारे साथ एक रॉकी भी है और जो ये रास्ता ऊपर को जाता है, ये जाता है हमारा परे धारला को 15-20, जहां हमारे जो जलनाग है वहीं के निवासी है असली। और ये रास्ता जाता है मेरे खेत को। चलते हैं। एक 2 साल के बाद फलने फूलने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं व्यू कितना अच्छा है। ये मेरा गाय का खुद। तो दोस्तों, काट के खत्म कर दिया है गेहूं। तो मेरा काम है इकट्ठे करना। आप यहाँ मैं गेहूँ इकट्ठे कर रहा हूँ। और यहाँ मम्मी जौ काट रहे हैं। यहाँ पर मम्मी और चाची गेहूँ काट रहे हैं। पीछे देखते हो गेहूँ डाले हैं। अब मैं घर जा रहा हूँ। आई थिंक लगेगा मेरे को आधा 1 घंटा घर पहुँचने में। फाइनली घर पहुँच गया हूँ, अभी बस 2 मिनट लगेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल बनाए तो सब